चलो गांव की ओर। हमारे इस खास प्रोग्राम में हम लेकर चल रहे हैं आपको गांव की ओर, परिचित कराते हैं गांव की जिंदगी से, जहां उजागर होंगी गांव की समस्याएं, दिखेंगे वहां के रहन सहन और भी बहुत कुछ। जन समस्याओं पर सबसे बड़ी कवरेज, सबसे ज्यादा देखे जाने वाले चैनल लाइव टीवी एक्सप्रेस पर। लाइव टीवी एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम चलो गांव की ओर में संवाददाता सपना मिश्रा के साथ ग्राम पंचायत मियापुर के प्रधान रामचंद्र वर्मा से खास बातचीत। नमस्कार, लाइव टीवी एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम चलो गांव की ओर में आपका स्वागत है। आज हमें मियापुर से रामचंद्र जी के साथ। रामचंद्र जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी हाँ। आपका चुनावी जो करियर था, कब से और कैसे शुरू हुआ? चुनावी करियर हमारा स्टार्ट हुआ है 1995 से। तो जब आपका करियर स्टार्ट हुआ, उसमें आपके गांव में और गांव के जो जितने मजरे हैं उनमें क्या क्या परेशानियां आई? हमारे कार्यकाल में परेशानी सब दूर हो गई थी, खड़ंजा नाली सब बन गई थी। आपसे पहले प्रधान कौन थे? हमसे पहले थी भारती रावत। तो उन्होंने इस गांव में क्या क्या कार्य करवाए हैं? कार्य किया है, इंटरलॉकिंग अंदर लगी है, नाली बनी है। आपने कितने मीटर सड़कों पर इंटरलॉकिंग कराई है? हम अभी तक हमको पक्का काम नहीं मिला है, सिर्फ विद्यालय का मिला था, वो करवा दिए। तो विद्यालय में क्या क्या कराया आपने? इंटरलॉकिंग करवाया और सबमर्सिबल करवाया, टंकी रखवाया, शौचालय भी अब बन रहा है। चलिए, ये बात तो रही शिक्षा के स्तर से, आपने स्वास्थ्य के स्तर में क्या क्या किया है? स्वास्थ्य स्तर में जब जब हमें सूचना मिली है तब तक हम पूरा समय दे करके दवाई बटवाई है। आपने खड़ंजा बनवाया है? खड़ंजा रिपेयर मरम्मत कराया है, नया काम अभी पक्का नहीं मिला है हमको। आपके गांव में गौशालाएं हैं? गौशाला नहीं है, जगह नहीं यहां पर। महिलाओं के लिए क्या क्या किया है? महिलाओं के लिए सामुदायिक केंद्र, शौचालय केंद्र बना है और समूह बने हैं और मनरेगा से लाभ दिया जा रहा है उनको। मनरेगा के तहत और कितनी योजनाएं हैं जो आपने अपने गांव में दी हैं? वो मनरेगा काम किया लिया जा रहा है, पैसा दिया जा रहा है, समूह भी चला रहे हैं और कभी कभी जो है मीटिंग की जाती है उसमें भी पैसा दिया जाता है। देखा जाए प्रधान जी, तो कई प्रधानों के सामने ये समस्या आती है कि जो वो कार्य करवाते हैं उससे कुछ गांव वाले खुश होते हैं, कुछ ना खुश होते, तो उसको आप किस तरीके से मैनेज करते हैं? वो तो गांव में 10-5 आदमी एंटी होते ही हैं, चाहे इतना अच्छा काम किया जाए फिर भी। अभी आप जब से गांव में प्रधान बने हैं तब से आपको कितना बजट पास हुआ है सरकार की तरफ से? अब मुझे जवानी तो ना बताए, फिर भी लमसम बताइए आप, आपको कितना बजट पास हुआ है? लमसम हम काम करा चुके हैं, कच्चा काम 14-15 लाख का करा चुके हैं। तो अभी जो बचा हुआ आपको कितना पैसा बचा है उसमें या नहीं? अब इधर एक किस्त आई है 1,40,000 की। अब ये जो किस्त आई है उसमें आप क्या क्या कार्य करवाएंगे? इसमें हम जो नाली बनवाई है हमारी पुरानी, जो हमने बनवाया है उस पर हम कवर रखवाना चाहते हैं। आपने कोई रूपरेखा और तैयार की है जो अभी तक जो पिछले प्रधान नहीं करा पाए और जब से आप बने हैं तो अभी तक भी वो काम नहीं हो पाया, तो क्या रूपरेखा तैयार की है आपने कि वो कार्य करवाएंगे अब बजट जो आएगा? हाँ, जो पिछले बार हमने करवाया है, पिछले 1960 की चकबंदी के छूटे हुए चक्रोड आज तक प्रधान किसी ने नहीं पटवा पाया, लेकिन हमने उसको पटवा दिया। क्या उसकी कोई वजह रही है या फिर उन्होंने किसी व्यवस्था के कारण ये नहीं करवा पाया है? उन्होंने देखा तक नहीं, बजट था, सब कुछ था। यानी कि आपका कहना है कि उन्होंने बजट होते हुए भी वो काम नहीं करवाए? नहीं करा पाए। तो आपने क्या रूपरेखा तैयार की कि अब उन्होंने नहीं करवाया तो आप वो कार्य करवाएंगे? हम करा दिए। अच्छा, आप वो कार्य करवा चुके हैं, तो अपने गांव वालों के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश, 14 कार्य योजना हमने फीड कराई है और 15 अप्रैल से शुरू करा देंगे। तो ये थे हमारे साथ रामचंद्र जी, इन्होंने बताया जो पिछले प्रधान थे उन्होंने कई कार्य नहीं करवा पाए, यहाँ तक कि जब सरकार की तरफ से उन्हें बजट पास हुआ है फिर भी वो काम उन्होंने नहीं करवाए, ये बचे हुए जो कार्य थे वो इन्होंने पूर्ण करवाए। अब आगे इनका कहना है कि अगर और भी बजट पास होगा तो ये आगे गाँव के हित में और भी कई सारे कार्य करवाएंगे। मैं सपना मिश्रा, लाइव टीवी एक्सप्रेस, उत्तर प्रदेश। खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे लाइव टीवी एक्सप्रेस। खबरों को लाइव देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे लोकप्रिय और सबसे ज्यादा देखे जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल।